नवरात्रि का पांचवां दिन देवी स्कंद माता की पूजा के लिए समर्पित होता है। स्कंद माता माँ दुर्गा का एक रूप है, जिनकी गोद में उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय स्कंद विराजमान होते हैं। स्कंद माता को शक्ति और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। स्कंद माता की कहानी पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक राक्षस ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है। क्योंकि भगवान शिव ने उस समय विवाह नहीं किया था, तारकासुर को लगा कि उसे कोई नहीं मार सकता और उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे विवाह करें ताकि उनके पुत्र तारकासुर का अंत कर सके। भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया और उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, ने बड़े होकर तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माँ होने के कारण उनके इस वीरता का प्रतीक मानी जाती है। उनके भक्तों का मानना है कि उनकी पूजा करने से भक्तों को पुत्र, सुख समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। स्कंद माता अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं और उन्हें सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं। उनकी चार भुजाएं होती हैं, जिनमें से दो में कमल का फूल होता है। एक हाथ में भगवान स्कंद को धारण करती है और एक हाथ से अभय मुद्रा में आशीर्वाद देती है। स्कंद माता की पूजा से भक्तों को ज्ञान और शांति प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि का पांचवां दिन उन्हें समर्पित होता है।